Hello kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our EVS learning. Kids, we use various modes of transportation like car, bus, scooter, train. We also use bullock carts, horse carriages, boats, airplanes. Due to this various modes of transportation, we can travel long distances easily and comfortably. So kids, in today's chapter, we shall learn about Riya's journey. Riya is a girl who shares her experiences of traveling in train with us. We divided this chapter into two parts. So let's begin with part one. Let's travel with Riya. So kids, this is our first page of chapter number 6, Riya's journey. So let's begin. Riya and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. So Riya और Jia दोनों friends थे और वो दोनों बहुत excited थे. Excited मतलब उत्साहित, eager. अब वो लोग eager क्यों थे? क्योंकि वो दोनों trip पे जाने वाले थे. कहाँ पे जाने वाले थे trip पे? Vapi. लेकिन Vapi जाने के लिए उनको mode of transport तो use करना पड़ता था. So mode of transport वो लोग ट्रेन चूज़ करते हैं और वो लोग ट्रेन में Vapi जाने वाले थे. अब रिया जो है वो अपने अंकल के घर पे जाने वाली थी Vapi में, और जिया जो है वो दमन जाने वाली थी अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. सो दोनों बहुत एक्साइटेड थे. नाउ किड्स, Vapi कहाँ आया? सो Vapi जो है वो गुजरात में आया. ओके, सो ये गुजरात का मैप है एंड दिस एरिया इज Vapi. ओके, सो एक टूरिस्ट प्लेस है वो. और as both the families decided to go together, Riya's father had booked train tickets for both the families before 15 days. अब दोनों फैमिली ने जब डिसाइड ही किया था कि साथ में जाना है, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन तो एक ही है Vapi, तो रिया के पापा ने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर दी थी. कितने दिन पहले से बुक की थी? 15 डेज पहले से बुक की थी, क्योंकि ट्रेन की टिकट्स जो है वो जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए उन्होंने 15 डेज पहले ही टिकट्स बुक कर दी थी. Moving further, just 2 days before their journey, Jia fell ill. Doctor told her to take rest. Jia's family had to cancel their tickets. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. Due to Jia's cancellation, Riya felt very sad. So, journey ke 2 din pehle hi Jia bimar ho gayi. और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला और जिया की फैमिली को उनकी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी. अब दोनों फ्रेंड्स जो थे वो बहुत सैड हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ट्रिप्स प्लान किए थे साथ में, बहुत एक्साइटेड थे वो लोग, और जिया के कैंसिलेशन के वजह से रिया भी सैड हो गई. जिया सेड, आई हैड एन आइडिया. शी टोल्ड रिया, डोंट बी अपसेट. You write everything about your trip in a diary and take photos and videos in your mobile. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. Riya went to her home. She found one notebook and a pen and put in her bag. So Jia Riya ko bolti hai that please don't be upset. Tu sad mat ho. Mere paas ek idea hai. She says ke you write everything about your trip in a diary. अपनी डायरी में तू अपनी ट्रिप के जो भी एक्सपीरियंसेस है, तूने कैसे ट्रैवल किया, वो सब तू है ना अपनी डायरी में लिख, और उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस जो है अपने मोबाइल में क्लिक कर दे. और जब व्हेन यू विल कम बैक, तब तू वापस आ जाएगी, मैं वो डायरी रीड करूँगी एंड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखूँगी. और इस वजह से रिया घर पे जाती है और वो नोटबुक और पेन फाइंड करती है एंड शी पुट्स इट इन हर बैग. रियाज डायरी. टुडे इज फुल मून डे. आफ्टर टेकिंग आवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन. आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन. वी सॉ सम पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन. Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj, main station of Kutch.
The name of our train was the Kutch Express. So Riya ने अपनी डायरी में स्टेट किया है कि अब पूर्णिमा का दिन है आज और हम लोग ने खाना खाने के बाद हम लोग ने हमारी जर्नी शुरू की. हम लोग ने ऑटो लिया और हम गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुँचे. नाउ ये गांधीधाम क्या है? सो गांधीधाम इज़ अ सिटी इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया. सो वो लोग गांधीधाम स्टेशन पहुँच गए और वहाँ पे ट्रेन जो है अराइव हुई. अराइव मतलब आई. ओके स्टेशन पे. और हम लोग ने देखा कि पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन 7:50 PM को भुज स्टेशन से डिपार्ट हुई थी. और वो डिपार्ट कहाँ से हुई? तो डिपार्ट हुई भुज से, जो कच्छ का मेन स्टेशन है. सो भुज से वो ट्रेन गांधीधाम आई और गांधीधाम से ये लोग चढ़ गए और ट्रेन का नाम कच्छ एक्सप्रेस था. When we went near the coach, there was so much commotion from a single door. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt someone pushing, so he said, "Train will stop here for 15 to 20 minutes. Please don't be in a hurry." So, she is stating in her diary that वो जब कोच के पास गए तो बहुत ही है ना नॉइज़ था, शोरगुल था. कमोशन मतलब ग्रेट नॉइज़ या गड़बड़ी या यू नो शोरगुल जिसको हम बोलते हैं. और पीपल जो है वो नीचे उतर भी रहे थे और दूसरे लोग पुश कर रहे थे ताकि वो अपने लगेज को अंदर रख सके. फादर ने देखा कि कोई उनको पुश कर रहा है, उनको ऐसा महसूस हुआ. सो उन्होंने कहा कि ट्रेन जो है यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुकेगी, तो प्लीज़ इतना हरी मत करो, आराम आराम से चढ़ो. We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. By the time the train started, most people had found their seats. Mother and I got window seats. Father and Himaksh got the middle seats. There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had two children of our age with them. They got two upper seats and two lower seats. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats. सो फाइनली रिया और उसकी फैमिली को बुक की हुई सीट्स, उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाती है और वो लोग अपना लगेज भी प्रॉपर प्लेस पे रख देते हैं और बाय द टाइम ट्रेन भी चालू हो जाती है. बहुत सारे लोगों को अपनी सीट्स मिल जाती है. रिया और रिया की मम्मी को विंडो सीट्स मिलती है और रिया के पापा और उसके भाई को मिडिल सीट्स मिलती है. उनके साथ एक और फैमिली थी और वो भी प्रीवियस स्टेशन से उन्होंने अपनी ट्रेन में बोर्ड किया था. उनके भी दो बच्चे थे जो ऑलमोस्ट रिया और हिमक्ष के एज के थे और उनकी भी फैमिली को दो अपर सीट्स मिलती है और दो लोअर सीट्स मिलती है. थोड़े टाइम बाद टिकट कलेक्टर आता है और हमारी टिकट्स चेक करता है ये देखने के लिए कि हम लोग हमारी रिजर्व्ड सीट्स पे बैठे हुए हैं या नहीं. Students, it is very important that if you are traveling in train or in bus or anywhere, tickets are must. Without ticket, one must never travel. Students, do you know what does a ticket checker do? Ticket checker checks whether a passenger is sitting on the right place or not, on its proper seat or not. And do you know what details do TC check? They check the PNR number. PNR number is the short name for passenger name record. It is a database of Indian Railways computer reservation system. So they get the details of the passenger which are saved through ticket. Also, can you tell me how will you recognize the ticket checker? So you can recognize a ticket checker as a ticket checker wears a black coat and black trousers. He has a patch on his coat. He carries a list of passengers with their allotted seat number. He asks the passengers to show their tickets and also collects the fine from those who travel without ticket. So one must travel with ticket. Kids, nowadays there is an online system of booking ticket which is also called as e-ticket. After 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Samkhiari Junction was written on the station. I asked my father, why is the junction was written after the station's name? Father explained to me that the station at which two or more railway tracks are separating is called junction.
From this station, two railway tracks are separating. On the track on which our train is running is the way to Ahmedabad, and the other goes to Palanpur. Train departed after 2 to 3 minutes. The two tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. So Riya stated that after 1 hour train जो है वो एक station पर जा कर रुकी और वो station का नाम था सामखियारी और अपने window से उसने देखा कि उसमें लिखा हुआ था सामखियारी junction. तो वो अपने पापा को पूछती है कि station के name के बाद junction क्यों लिखा रहता है. तो उसके पापा उसको explain करते हैं कि जहाँ स्टेशन पे जो स्टेशन पे 2 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक सेपरेट होते हैं उसे हम जंक्शन बोलते हैं, वो जंक्शन हो जाता है. सो ये स्टेशन पे कैसा है कि 2 ट्रैक सेपरेट हो रहे हैं. जो ट्रैक पे अपनी ट्रेन चल रही है वो ट्रेन जो है वो अहमदाबाद जा रही है और जो दूसरा ट्रैक है उस पे वो जो ट्रेन चल रही है वो पालनपुर जा रही है और ट्रेन जो है वो डिपार्ट होती है 2 से 3 मिनट में और दोनों ट्रैक्स जो है वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से. एंड देन रियाज फादर शोज रिया दैट सी हाउ 2 ट्रैक्स आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. सो किड्स, हियर वी एंड आवर पार्ट 1 लर्निंग. Students, I hope you understood this chapter. We will stop here. We will continue part 2 in the next video. Bye. Take care.